जी, बल्कि आपने खालिस्तान की चर्चा की तो अभी अभी अफगानिस्तान का फरमान आ गया कि सारे सिखों को या तो वहां से निकलना पड़ेगा या उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन मूढ़मती को तो क्या कहा जा सकता है। ओवेन जी, आपके क्या विचार है ओपनिंग स्टेटमेंट? सर, हिंदू हेट्रेड इतनी डीपली इनग्रेंड है इस समाज के अंदर और मदरसों के अंदर सतत यही पढ़ाया जा रहा है कि एक खिलाफत होगी जहां हम सब एक होंगे। यद्यपि प्रमाण उसके बिल्कुल विपरीत है। अभी सीरिया में 5 लाख शियाओं ने सुन्नियों को, सुन्नियों ने शियाओं को मारा है, लेकिन हिंदुओं की जाति व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ा शोषक है। नैरेटिव ये चलाया जा रहा है। और जो हिंदू घृणा है वो मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैं राजेश जी से थोड़ा सा अपना भिन्न मत रखता हूं। इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। जितना ये बोलेंगे उतना हम जैसे हिंदुओं का काम सरल होता जाएगा। आपके मेरे जैसे हिंदू तो गत 10 वर्षों से भौंक रहे हैं, जागे क्या हिंदू? जब वो इस्लामिक स्टेट की वो आरी चला भौंकना के मत बोलिए, गर्दनें ज्यादा काटते हुए, गुर्राना बोलिए, दाड़ना बोलिए, ये भौंकना शब्द नहीं उचित। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आई एम सॉरी अगर वो आपकी सेंसिबिलिटीज हर्ट हुई हो, कि हम बोले चले जा रहे हैं। हम तो किस चौराहे से नहीं बोल रहे सर, हम किस किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम नहीं रो रहे कि इनके साथ सह अस्तित्व एक असंभवता है। एक समाज जब इतनी घृणा पर उसको बड़ा किया जाए। अभी मनोहरपुर में कल एक शांति दूत ने अपने 4 मित्रों के साथ अपनी विक्षिप्त सगी बहन, मां जाई बहन के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करी है। ये हमारी बहन बेटियों को छोड़ेंगे? यानी आप उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस तो करेंगे ना कि जो समाज में क्या चल रहा है। आप उसके आलोचनात्मक विश्लेषण से क्यों घबरा रहे हैं? हमारे पुरखे 1400 साल तक इनसे लड़ते आए, तो उनका क्या भेजा खराब था? क्या हम डिसोन कर दें उस संघर्ष को? तो उसी के परिणति है उसके अंदर, जैसा आपने बिल्कुल बढ़िया आर्टिकुलेट किया उसको, कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, इट इज एन आइडिया। द आइडिया इज पैन इस्लामिज्म। हालांकि यद्यपि उस पैन इस्लामिज्म का ये करेंगे क्या, इनको खुद नहीं पता। ये एक ऐसा बैक्टीरिया की तरह है, जैसे जो बैक्टीरिया होता है अंतिम, जब मनुष्य 80 साल का हो गया और उसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाके इंफेक्शन से डेथ होती है, तो जब वो मनुष्य मर जाता है तो वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। वो थोड़ी जीवित रह सकते हैं, जो उनका होस्ट बॉडी चली गई तो वो बैक्टीरिया भी गया। ये पूरा समाज उस तरह का समाज है कि ये जब सब, चलिए सब सब कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर शांति हो जाएगी? क्योंकि दिन शांति तो उस दिन होगी जिस दिन जजमेंट डे होकर के जन्नत और दोजख का फैसला होगा। यानी पूरा विश्व जब तक राख का ढेर नहीं बन जाता तब तक ये चलेगा ऐसे ही। तो मैं तो राजेश जी की बात से इसमें मैं तो कहता हूं, जितना ये चिल्ला रहे हैं, जितना ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने ये सिखों को बोल रहे हैं कि धर्मांतरण करो या देश छोड़ो, उतना हमारा काम सरल होता जा रहा है। आपका काम तो सरल होता जा रहा है, लेकिन वो काम क्या है इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। कि ऐसे ही आप जो है इसको माने कि हाँ सरल हो गया, सरल हो गया, लेकिन वो अंततः जो कार्य है जिसका बीड़ा उठाना है, वो कार्य तो परिभाषित करें आपका। स्टार्टिंग विथ आर्थिक बहिष्कार के साथ हम स्टार्ट करें कि जो समाज अपने आय का एक हिस्सा हिंदुओं की हत्या के लिए और उनके आर्थिक शोषण के लिए हलाल इकोनॉमी के द्वारा रख रहा है, उसको हम कम से कम फंडिंग ना करें। पूरा का पूरी एक कैंपेन चलनी चाहिए हलाल इकोनॉमी के विरोध में। वो एक शोषित करने वाली व्यवस्था है, अनअकाउंटेड मनी है, उसके ऊपर कई मल्टीपल अटैक्स होने चाहिए। हलाल इकोनॉमी के ऊपर जब हम टोटल इकोनॉमिक बॉयकॉट करते हैं, अल्टीमेटली द एंड गेम फॉर हिंदूज इज टोटल फिजिकल सेपरेशन, क्योंकि पागल कुत्तों के साथ रहा नहीं जा सकता। सीधी सी बात है।
आपको आपका आपके विचार, आपका समाज, आपकी जो जो थियोलॉजी है वो आपको मुबारक, हमारी दकियानुसी थियोलॉजी हमें मुबारक। देखा जाएगा 10-20 साल बाद, वी विल एक्सचेंज नोट्स, कौन सा समाज कहां पहुंचता है। लेकिन हमारे ऊपर ये जो परजीवी जो आकर के यहां पर जो माले गनीमत और हमारी बहन बेटियों का और हमारे धन हमारी संपत्ति हमारे समाजों के अंदर जो एक विक्षिप्तता का पूरा एक प्रवाह कर दिया गया है, इसके साथ कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोई सोशल प्रोग्रेस, कोई फार्मास्यूटिकल रिसर्च, कोई शोध, कोई प्रगति, कोई विकास होना असंभवता है। टोटल फिजिकल सेपरेशन इज द एंड गेम फॉर हिंदूज। राजेश जी, अब आपका प्रिस्क्रिप्शन भी सुने इस बारे में, और ये 2-3 चीजें मैं और पॉइंट आउट कर दूं कि पटाखे जो हैं वो सब जगह बैंड हैं, विशेषकर बड़े शहरों में, लेकिन धड़ल्ले से कल चलाए गए हैं, और न इसका कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलने वाला है, न कोई NGT कुछ बोलने वाली है, न कहीं की कोई पुलिस कुछ बोलने वाली। तो ये है स्ट्रीट पावर। और अभी ओमेन जी पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों के साथ काफ़ी लगे रहते हैं। अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के हिंदू कह रहे हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान जीत गया, ये तो जब भारत जीतता है तो हमारी लड़कियां उठा ली जाती। जी ठीक है, मतलब वो पाकिस्तान के हिंदुओं वाला भी जो हाल ही में इन लोगों ने एफिडेविट दिया है, पता नहीं किस मिनिस्ट्री ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हो सकता है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिया हो एफिडेविट कि साहब हम उनको बिजली सप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं। इतने साल से सारे हिंदू एक्टिविस्ट वहां लगे हुए हैं और सब कुछ है, इसके बावजूद भी एक मिनिस्ट्री, वो मिनिस्टर की वजह से या उस मिनिस्ट्री के बाबू की वजह से वो हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब हम इनको बिजली पानी हम कनेक्शन नहीं दे सकते हिंदुओं को। अब वो जैसे CA का तो पूरी तरह CA का तो मजाक हो चुका है, आपने कानून लगा दिया CA, लगाने के बाद उसको बिठा दिया वहां पर, ठप कर दिया उसको, उसमें फिर आगे कुछ हुआ नहीं क्योंकि 2-4 जगह आंदोलन शुरू हो गए, उन आंदोलनों को आपने दबाया नहीं, और आपके मिनिस्टर जाके आपका आपका जो AG जो जाके दे देता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह जो एफिडेविट दे देता है, इस तरह के एफिडेविट दे देता है, तो आपकी संवेदना कहाँ है? तो हिंदुओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है, हिंदू त्योहारों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, और ये यहां बम फोड़े कुछ भी करें, इतने संवेदनशील हो जाते हैं लोग। और अब तो हम लोग तो सिखों को अपना हिस्सा मान के चलते हैं ना, और भी मान के मैं चलता हूं उनको अपना हिस्सा, लेकिन आपने तो खुद ही ऐसा सेपरेशन कर दिया, दिखा दिया कि साहब मुसलमानों की कोई समस्या होगी उसके प्रति हम संवेदनशील हैं, सिखों की समस्या के प्रति भी संवेदनशील हैं, हिंदुओं की समस्या के प्रति हमारी संवेदना मर जाती है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की संवेदना बढ़ जाती है, हमारे नेतृत्व की संवेदना बढ़ जाती है, बड़ा विचित्र है। अब ये जो विचित्र हो रहा है इसका कैसे इसका क्या इसको कैसे ठीक किया जाए, उसका क्या समाधान हो, ये सोचने की आवश्यकता है, बड़ा विचित्र। मतलब कि आप देखिए उसमें भी उन्होंने घालमेल हमेशा करते रहते हैं, CA में भी उन्होंने जानबूझ के जोड़ा था ये सब, उन्होंने जानबूझ के क्रिश्चियंस को उसमें जोड़ा था कि चलो कम से कम वहां शोर शराबा नहीं होगा, लोग चुप चुप लगा के बैठ जाएंगे, लोग कहेंगे कि चलो हमारे पास एक आर्गुमेंट रहेगा कि देखिए हमने केवल हिंदुओं के लिए नहीं किया है, ये आर्गुमेंट लेके आप वैसे ही आप डिफेंसिव थे शुरू में ही, अब जब वो सड़क पर उतर आया फिर भी आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कोई भी कानून बना रहे हैं। अब इस देख लीजिए कि जब से ये 2019 की इतनी बड़ी बहुमत के साथ आई सरकार है, जितने भी कानून उन्होंने बनाए, धारा 370 की भी जो इन्होंने हालत की हुई है आप सब लोग देखते हैं रात दिन, आप लोग उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, वो सारे कानून ठप पड़े हैं। 2014 में तो ये जो कानून उन्होंने बनाया वो सर्वसम्मति से सारे कानून इन्होंने बनाए थे 2014 में, लेकिन 2019 में 303 और 352 का बहुमत लेने के बाद भी जो कानून बना रहे हैं वो सब ठप हो जा रहे हैं, ठंडे बस्ते में चले जा रहे हैं, और कानून ठंडे बस्ते में चले गए फिर भी आंदोलन चल रहे हैं और उन आंदोलनों के ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। तो उसमें होता यह है कि ये एनकरेज हो रहे हैं, आप इनको एम्बोल्डन कर रहे हैं, आपने अपनी दिखा दिया है कि डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर जो है आप बकरी बन के बैठे रहेंगे, और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भय इनके मन के अंदर नहीं है, जो भय शुरू शुरू में मोदी जी के आने की वजह से हुआ था कि अरे गुजरात में ये हो गया वो हो गया, वो भय भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जुडिशरी के अंदर तो कोई भय ही नहीं है इस सरकार का और पार्लियामेंट्री मेजोरिटी का। तो आपने ऐसा एक समाज बना दिया, भाषण आप जाके दे देते हैं चाइना बॉर्डर पे कि भय बिन हो ना प्रीत,
और यहाँ आपने सारा भय जो है उसका वाराणा कर दिया, तो ये सड़क पर उतर के क्या आपके घर के सामने आके बम फोड़ेंगे और सब कुछ करेंगे और ये लोग ताकते रहेंगे, और यही हुआ ना बंगाल में, तो यही हुआ। तो ये इस तरह की निष्क्रियता और इस तरह का जो हो रहा है उसमें स्थितियां और बद से बदतर होती चली जाएंगी। और उमेंद्र जी सही कह रहे थे कि अगर हो रहा है तो उसमें लोग तो जाग रहे हैं, उसकी वजह से लोग देख रहे हैं, हम सब लोग इसको सर्कुलेट करते ही हैं, सारी चीजें घूमती हैं, तो हमारी सजगता तो बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सजगता बढ़ने के साथ साथ एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि एक युद्ध की परिस्थिति आएगी आएगी, मैं बता रहा हूं, कन्फ्रंटेशन होना ही होना है, क्योंकि आपने स्थिति ऐसी बना दी है कि अब जो है उनको अगर आपको दबाना होगा तो बहुत ही मैक्सिमम फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको बिलिजरेंट बना दिया, उनको लगता है कि यार ये कुछ भी करके निकल जाएंगे, ये लोग तो हिंदू तो बनिए हैं, जो शुरू से ये कहा करते थे हमेशा पहले भी, उनको हिंदुओं का शत्रुत्व तो नहीं पता था, जो भी आपने बताया कि यूपी बिहार के लड़कों ने दिखाया, तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसको। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर मान लीजिए राष्ट्र के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखते हैं तो जो हमारे जो इस्लामिस्ट हैं, और मैं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई राष्ट्रवादी मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन जो इस्लामिस्ट हैं इनका मन और बढ़ेगा, उनको लगेगा कि डोमेस्टिक इशू पर हम इनको कॉर्नर कर रहे हैं, हम इनको पीछे धकेल दे रहे हैं और ये चुप लगा जा रहे हैं। और जितना आप पीछे अब जा रहे हैं, आपने वो चर्चा की ना कि अमित शाह जी गए वहाँ कश्मीर में, वहाँ जाके सूफी परंपरा और क्या क्या भाषण देने लगे, एक अक्षर नहीं जानते हो सूफीज्म का, एक अक्षर नहीं जानते हैं, कहा जाए कि चर्चा करिए कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं चर्चा, हिंदुइज्म के ऊपर भी कोई जम के चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां जाके सूफीज्म झाड़ रहे हैं, क्योंकि एक बार अटल जी जाके झाड़ के चले आए थे, अटल जी ने पार्लियामेंट में सूफीज्म झाड़ दिया था, कश्मीरियत झाड़ दिया था। तो ये सब झूठ जो आप बोल रहे हैं अपने आप से, और सामने वाला देख रहा है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और आप जो है उनको भी झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ के आधार पर कोई संबंध आप बना सकते हैं क्या? तो यथार्थ के धरातल पे आके सोचिए, होम मिनिस्टर हैं आप प्रधानमंत्री नहीं है देश के, प्रधानमंत्री तो इमोशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, होम मिनिस्टर को प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसीलिए इनको होम मिनिस्टर बनाया गया कि पूरे प्रैक्टिकल होंगे और वहां जाके जो है कश्मीरियत और सूफिज्म और उसके ऊपर भाषण दे रहे हैं बिना जाने बूझे समझे। तो थोड़ा सा एक बड़ा क्लियर कट, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू लेके और एक डेफिनेट स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ेगा। ये सब मूर्खताएं, ये सब करते हैं नेतागिरी करने वाली मूर्खताएं, ये इलेक्शन बाजी वाली जो मूर्खताएं उससे नहीं, अब ये इलेक्शन से आगे बढ़ चुकी है बात, ये इलेक्शन जीतने से आगे बढ़ चुकी है बात, अब ये सिविलाइजेशनल लड़ाई जीतने की बात आ गई है यहाँ पे, और वो कैसे जीतेंगे उसके बारे में इनको सोचना पड़ेगा, उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी।